हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अखिलेश और आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक रुद्रनाथ मंदिर की, जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। और अभी हम लोग यात्रा का जो प्रमुख पड़ाव है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, वो जगह पड़ेगी सगर गांव, जो कि गोपेश्वर के बहुत पास पड़ेगा। और मैं अपने साथियों का परिचय आप लोगों से करवा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है नरेश राणा, उसके बाद अविरल बिस्ट, रोहित रॉय और ये मैं खुद, और जो शूट कर रहे हैं उनका नाम है आशीष डोबाल। और यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और अगर आप आते हैं हरिद्वार से तो लगभग 300 किलोमीटर। और सगर गांव में भी आप होटल ले सकते हैं, यहाँ पे 400, 500 से 1000, 1500 तक के रूम मिल जाते हैं। ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कितने तक का लेते हैं, और ऊपर का मैं ऊपर ही बताऊंगा कि क्या वहाँ पे रेट होगा। पूरा ट्रैक एकदम हरा भरा है और हालत ख़राब हो गई है यहाँ तक पहुँचने में। अभी सिर्फ हम आधा किलोमीटर चले हैं और मेरे जो साथी हैं वो, उनको थकान लग गई है, बहुत बुरी तरह थक गए हैं। यहाँ लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, जिस वजह से पूरे रास्ते में जंगलों से पानी निकल के आ रहा है, और हमने अपने जूतों को बचाने की भरपूर प्रयास किया पर हम पूरी तरह असफल रहे, पूरे जूते भीग चुके हैं। और यहाँ से अल्टीमेट व्यू आपको देखने को मिलेंगे यार, ये देखिए लैंडस्केप व्यू है, छोटे छोटे आपको झरने देखने को मिलेंगे प्यारे से, ये देखिए। और अब हम पुंग पहुँचने ही वाले हैं, और रुद्रनाथ यात्रा का जो पहला पड़ाव है पुंग बुग्याल, जो कि सगर गांव से 4 किलोमीटर दूर है, और हम पहुंच चुके हैं इस जगह पे। यहाँ पे चाय, मैगी और ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हैं, पराठे आपको यहाँ पे खाने में मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप ज़रूर खाना खाइए, क्योंकि ऊपर आपको लगभग 8 से 10 किलोमीटर चढ़ाई मिलने वाली है, और जिस पे आपको कोई भी दुकानें नहीं मिलेंगी, सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेंगे। और ये मेरे पीछे हैं सब राइडर भाई लोग, देखो क्या हालत इनकी हो चुकी है, डबल दो डंडे तो आना पड़ा, दो दो डंडे पे लोग मरने के बाद जाते हैं कंधों पे, ये पहली जा रहा है। पूरा पर्वत है, देखो कितना हरा भरा है, एकदम एक नंबर दिख रहा है। ये भाई लोग हैं किंग गोपेश्वर के, बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं ये। तो हमने इस यात्रा का पहला जो पड़ाव है वो है पुंग बुग्याल, हमें यहाँ से दिखने चालू हो जाता है। पुंग हमने अभी क्रॉस किया है। इस जगह पर पानी का बहुत ज़्यादा शोर है और पानी का बहाव भी बहुत तेज है, बहुत ठंडा पानी है, थोड़ी सी गलती और सू करके निकल जाना है, तो सावधानी से हम लोग इसे पार कर रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं चक्रघनी के घने जंगलों के बीच में, और हालांकि स्थानीय लोग भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं पर वो लोग फटाफट निकल रहे हैं हमें ओवरटेक करके, और हम लोगों की बहुत हालत ख़राब हो रही है, और मुझे बहुत प्यास लगी है बट मेरे पास पानी पीने का कोई साधन है नहीं। ये पानी भी आपको 4 किलोमीटर दूर मिलेगा, आप पानी की बॉटल ज़रूर अपने साथ कैरी करें, अदरवाइज आपको जो है जहाँ पे सख्त ज़रूरत होगी पानी की, आपको वहीं पे 3 से 4 किलोमीटर पानी की एक बूंद आपको नसीब नहीं होगी। और हम ल्वीटी बुग्याल पहुँचने वाले हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे ठहरने की खाने की पूरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी, और हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, चाय मैगी वगैरह लेंगे, और उसके बाद सीधे चलेंगे अपने पन्नार बुग्याल की तरफ को। दोस्तों फाइनली हम लोग पनार बुग्याल में पहुंच चुके हैं, और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, और
एक बात मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि आप खूबसूरती के बारे में जितनी भी कल्पना करेंगे ये उससे भी बहुत अधिक खूबसूरत है। और सच बताऊँ तो मेरी पूरी थकान गायब हो गई है। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ऐसे नज़ारों को जहाँ देखो पूरी ग्रीनरी है, पूरे घास का मैदान है, मखमली घास बिछी हुई नीचे, और यही देखने के लिए इतनी मेहनत करी हम लोगों ने यार, उसका फल है ये। रुद्रनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव भी हमने पार कर लिया है जिसका नाम है पनार बुग्याल। और सबसे पहला जो पड़ाव था वो था पुंग बुग्याल, उसके बाद लुटी बुग्याल, उसके बाद पनार बुग्याल। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है बुग्याल। तो मैं बुग्याल आपको बता दूं, बुग्याल बेसिकली जो हरे घास के ये मखमली मैदान आपको दिख रहे हैं इनको हम बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड के सभी लोगों को हालांकि ये पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये बता दे रहा हूँ। और आगे चल के हमें इसी तरह के फूलों से लदे हुए पूरे पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो इंजॉय करते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए। और अगला जो पड़ाव होगा हमारा वो होगा पितृधार, जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मिलते हैं हमसे ने पितृधार में। और हम पहुंचने वाले हैं पितृधार, और यहाँ पे स्थानीय देवता जो है भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। लाटा देवता हैं, स्थानीय देवता हैं। जय रुद्र। ये लाटा देवता हैं क्या? हाँ जी। और हम लोग पहुंच चुके हैं पितृधार। अब यहाँ से रुद्रनाथ जी के लिए सीधा रास्ता हमें मिलेगा। और ये पितृधार यहाँ पे पितरों के लिए तर्पण दिया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि तर्पण के रूप में उनके नाम का जो पत्थर है वो इस जगह पर स्थापित किया जाता है, जिससे जो पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप भी रख सकते हैं। और ये तिरंगा इस जगह की खूबसूरती में और चार चांद लगा देता है। एकदम टॉप पे है ये पितृधार में। और अगर आप थक चुके हैं तो आप खच्चर पे बैठ के भी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा तो उतना ही आने वाला है। बेचारे खच्चर पे आफत आएगी और कुछ नहीं। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि फूल भी झुक रहे हैं हमारे स्वागत में, हमारे कदमों में। अल्टीमेट फीलिंग है यार, मैं बता नहीं सकता। और आप बताना मुझे कमेंट्स करके कि आप कब प्लान कर रहे हैं रुद्रनाथ ट्रैक का। कोई भी ट्रैक रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। ये है प्राकृतिक पीने के पानी का स्रोत, यहाँ पे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। सभी यात्री के लिए सुविधाजनक बना रखा है एकदम। ये देखिए व्यू। और हम पहुँचने वाले हैं पंचगंगा, और आज रात हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं क्योंकि आगे जो है फुल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे यात्री आज ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कल कुछ यहाँ पे फेस्टिवल है, तो इस वजह से आज हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं रात को। और यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है रुद्रनाथ मंदिर, तो हम इजीली इसको कवर कर सकते हैं 1 घंटे में, क्योंकि सीधा है, कोई चढ़ाई नहीं चढ़नी है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था रात को बस छत मिल जाए, तो वो हमें मिल चुकी है। एक टेंट का जुगाड़ हो चुका है पंचगंगा में, ये हमारा टेंट है जो कि 400 रुपये पर हेड के हिसाब से हमें पर बंदा पड़ा है,
जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इस जगह पे ये टेंट के अंदर का नज़ारा है, एक थर्माकोल लगी हुई नीचे जो कि ज़मीन गीली है तो ठंड नहीं लगेगी, और मेरे पास ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ था तो मैं तो बढ़िया नींद ली मैंने पूरी रात, और अपना पूरा बैग में पैक करके अब सुबह हो चुकी है और हम निकलने वाले हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था हम सबके लिए वो था खुले में हल्का होने जाना, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है कि आपका मन ही करेगा कि कहाँ आप खुले में बैठें। और इसका भी सलूशन हमें मिल गया है, क्योंकि कल हमने नहीं देखा था लेकिन आज हमें पता चला कि यहाँ पे टॉयलेट है जो कि बड़ी मेहनत से इन लोगों ने पत्थरों की चिनाई करके बना रखा है, और इतना अल्टीमेट व्यू क्योंकि इसमें दरवाज़ा नहीं है तो आपको मस्त मस्त व्यू भी दिखेगा सामने और आप मिस नहीं करना चाहोगे। बस सिर्फ एक बंदे को आपको चौकीदारी के लिए खड़ा करना पड़ेगा। और मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैं कर रहा हूँ तेल की मालिश, और सुबह की फ्रेश मॉर्निंग के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और यहाँ से अभी हमें 4 किलोमीटर दूर है जो मंदिर है रुद्रनाथ जी का, तो ये नीचे से अब ढलान है सीधा है, तो हम आसानी से इसको जो टारगेट किया हमने 1 घंटे का टारगेट किया है कि 1 घंटे में हम कवर कर लेंगे। गाइज जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन सबको रिकमेंड करूँगा कि आप जुलाई और अगस्त के महीने इस जगह आएँ, क्योंकि इस टाइम पे बरसात का मौसम होता है और चारों तरफ आपको पूरे हरे भरे पहाड़ मिलेंगे और साथ में अनगिनत किस्म के अलग अलग प्रजातियों के फूल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप जुलाई से पहले और अगस्त के बाद आते हैं तो शायद आप ये चीज़ें मिस कर जाओगे, तो प्लान इस तरीके से बनाना कि आप अगस्त या मिड सितंबर तक भी चल जाएगा और साथ में आप मिस कर जाओगे ऐसे नज़ारों को जो आपको ना थकने पे मजबूर कर देंगे। सबसे पहले इस ट्रैक की या इसी तरह के कोई और ट्रैक की भी जो चेकलिस्ट है मैं वो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप कैरी करें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो वॉकिंग स्टिक आप जो है अपने साथ खरीद के भी ला सकते हैं, या नीचे बाँस के डंडे मिल जाएंगे 40-50 रुपये के, जहाँ सगर गाँव जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इस ट्रैक को। दूसरी चीज़ वार्म क्लोथ्स या जैकेट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है रात को। तीसरा है वाटर बॉटल, क्योंकि हम जब ट्रैक करते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत सारा पसीना निकल जाता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो इसलिए हमें कंटिन्यू पानी पीना ज़रूरी होता है, तो पानी की बॉटल अपने साथ ज़रूर कैरी करें। फिर है खाने का सामान, कुछ जिसमें एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स हो, जो हल्का भी हो और अच्छी एनर्जी भी हमारी बॉडी को मिल जाए, जैसे कि आप पीनट ले सकते हो या पार्ले जी है, या आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे लोग भंडारा कर रहे हैं और हम लोगों को भी बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन हम लोग वापसी में आएंगे एक बार दर्शन करके, फिर यहाँ पे बढ़िया सा कड़ी चावल भंडारे वाला खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे हम नीचे को। और इस जगह की जो हाइट है 3,554 मीटर है, और यहाँ से ये देखिए व्यू। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ा हमें क्योंकि पूरा कोहरा लग गया था यहाँ पे, कोहरा नहीं कहेंगे बादल कहेंगे क्योंकि इतनी हाइट पे बादल ही होते हैं क्योंकि हम बादलों से भी ऊपर हैं इस टाइम पे। और ये मंदिर में फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, जय भोले। और मंदिर में जो बादल लगे हुए थे अभी विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन अभी जो बादल हैं वो पूरी तरीके से हट चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी बादल आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं ये 5ों पांडवों के हैं, साथ में माता कुंती और द्रौपदी के भी मंदिर हैं, और यहाँ पे श्रद्धालु लोग घंटिया भी भगवान को चढ़ाते हैं। और मैं इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ,
ये भगवान शिव का जो मंदिर है ये अंदर से एक छोटी सी गुफा है, यहाँ से अंदर छोटी सी गुफा है, बहुत बड़ी गुफा नहीं है। उत्तराखंड के प्रमुख पंच केदारों में से चतुर्थ केदार के नाम से भी रुद्रनाथ मंदिर को जाना जाता है। यहाँ पे श्रद्धालु जो है भगवान भोलेनाथ के एकानंद स्वरूप के दर्शन करते हैं। एकानंद का मतलब होता है मुख भाग के, चेहरे के दर्शन यहाँ पे होते हैं। और स्वयंभू यहाँ पे भगवान शिव हैं। मंदिर के ठीक बगल में भजन और कीर्तन हो रहा है, ये कुछ इस तरह से दिखता है मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण है वो पांडवों ने करवाया था। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने अपने गुरुओं की हत्या की थी और उनके ऊपर गुरु हत्या का जो पाप था वो चढ़ गया था। तो उस गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव गए श्री कृष्ण जी के पास और उन्होंने सलाह मांगी कि हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है इससे। तो श्री कृष्ण जी पांडवों को उपाय बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। तो उन्हीं को ढूंढने के लिए पांडव जगह जगह घूम रहे थे। उत्तराखंड में जहाँ भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर है वहाँ पे पांडवों का जिक्र जरूर आएगा। और आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। गाइस हम लोग देहरादून पहुँच चुके हैं अपने घर और यहाँ से थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए दिल से माफ़ी यार, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद बैक टू बैक हमने ट्रैक करे, दो दिन ट्रैक किए और उनकी भी वीडियो अपलोड करनी है मुझे आने वाले टाइम में। सिर्फ एडिट करना है और अपलोड करना है, थोड़ा एडिटिंग भी सीख रहा हूँ यार, स्टार्टिंग है अभी तो इतना परफेक्शन नहीं है और कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट बनाने की अपनी तरफ से। और गाइस यार वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और बेल आइकन को भी जरूर हिट करना, सो फर्दर नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहे आप सबको। और कैसे लगा ये वीडियो वो भी आप बताना, अगर आप गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस बताना वीडियोज में कमेंट्स करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड गुड बाय।